अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से। कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने वकला को कहा है कि किसी तरह से भी मुझे इस जेल से निकालो, मेरा यहाँ पर रहना जो है वो नामुमकिन है। कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब ने नींद की गोली खाई है, कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब को जान के तंग किया जा रहा है जेल में, पानी से, बिजली से, मुख्तलिफ चीज़ों से। और एक बड़ा अहम सवाल है कि फ़ारूक रशीद जो जेल सुपरिटेंडेंट है अटक में इमरान खान साहब का, वो कौन है? बड़ी अहम मालूम है नाज़रीन, और कुछ मालूम जो है अटक जेल के अंदर से हैं, कुछ एक सीनियर सहाफ़ी की जो खबर है उसमें से है। तो आपको मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि जी इमरान खान साहब को बिल्कुल इस बात में सदाकत है, और ये बात कोर्ट की है जावेद चौधरी साहब ने, कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को जेल में जो है वो बहुत कम नींद आ रही है, पूरी रात जो है वो जेल में घूमते रहते हैं, पूरी रात वो सो नहीं पाते, और उनको सोने के लिए एक दफ़ा कम्बल दिया गया, चूँकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है नाज़रीन अटक में। और ये भी आपको मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि अटक जो जेल है उसमें सिर्फ सी क्लास है, उसमें ना ए क्लास है ना बी क्लास है, तो वहाँ पर बहुत गर्मी है। और खान साहब ने जब बिल्कुल खान साहब को गर्मी लगी, खान साहब को नींद नहीं आई, खान साहब से सोने नहीं हुआ, तो उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और उनको बुला के कहा कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और मेरे लिए कुछ किया जाए। तो उसके बाद सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जनाब हमारे पास और तो कुछ नहीं है, एक हल ज़रूर है जो सो ना सकें यहाँ पर, तो स्लीपिंग पिल्स हमारे पास मौजूद हैं, हम वो आपको दे सकते हैं। तो खान साहब ने उनसे स्लीपिंग पिल ली और वो लेकर खान साहब कुछ देर के लिए वहाँ पर सोए हैं। सुपरिटेंडेंट के साथ उसके अलावा क्या बातें हुई? खान साहब पूछते रहे कि आप मुझे ये बताएं जिस तरह का मेरा केस है, इस तरह के कैदी कितने अरसे बाद यहाँ से चले जाते हैं, इस तरह के कैदियों के लिए क्या जो है वो किया जाता है, क्या मेरे कोई चांसेस हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा, जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है नाज़रीन, आप हैरान रह जाएंगे, मैं आपकी आपको बताता हूँ। फ़ारूक रशीद साहब हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट है अटक में, उनका नाम है फ़ारूक रशीद साहब। अच्छा, फ़ारूक रशीद साहब ये कौन से हैं जनाब? ये अडयाला जेल में हुआ करते थे जिस ज़माने में नवाज शरीफ साहब जेल में थे। नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, हनीफ अब्बासी साहब भी जेल में थे। तो उस टाइम गालबन नवाज शरीफ साहब की वालदा की डेथ हुई थी, या इनकी वालदा की गालबन हुई थी, या इनकी वाइफ की डेथ हुई थी, अभी मुझे सही याद नहीं है। लेकिन जब उनकी नवाज शरीफ साहब की वालदा या वाइफ की डेथ हुई थी, तो उस वक्त हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था कि मेरी नवाज शरीफ से मुलाकात कराओ। इसी सुपरिटेंडेंट जो कि फ़ारूक रशीद साहब हैं, इन्होंने हनीफ अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात कराई थी कि जिसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, और उसके बाद इमरान खान ने सख्त एक्शन लिया था और इसी जेल सुपरिटेंडेंट को अडयाला जेल से उन्होंने हटा दिया था। और उसके बाद जो है ये दर बदर ये फिरता रहा, कभी कहीं इसकी ड्यूटी, कभी कहाँ, और आखिरकार नाज़रीन देखें कैसा मुकाफात अमल है कि वही फ़ारूक रशीद आज अटक जेल में। और अब मुझे नहीं पता कि उसको जान बूझ कर लगाया गया है या वो कुदरती तौर पर वो वहाँ पर आ गया, और आज वही फ़ारूक रशीद है, वही इमरान खान साहब हैं। और जब खान साहब ने फ़ारूक रशीद साहब से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पर कहाँ आपने ड्यूटी किया, तो उन्होंने बताया कि जनाब मैं अडयाला जेल में था जब आपने मुझे हनीफ अब्बासी और नवाज शरीफ की मुलाकात करवाने पर वहाँ से निकलवा दिया था। तो नाज़रीन एक तो ये बात थी, इस हवाले से खान साहब फ़ारूक रशीद से कुछ बातें करते रहे, सर हिलाते रहे, वो बातों का जवाब देता रहा, और खान साहब ने बिल्कुल नींद की गोली ली और लेकर वो सो गए। लेकिन ये खबरें हैं कि खान साहब तहज्जुद की नमाज़ भी अदा करते हैं, फजर की बाकी नमाज़ें भी जो है वो खान साहब अदा करते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं या तस्बीह में ही कुछ पढ़ते रहते हैं। और आखिरी चीज़ नाज़रीन जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्विटर पर मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग इसकी तरदीद कर रहे हैं, कुछ लोग इसको खबर बनाकर पेश कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि खान साहब ने अपने वकला को कहा कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालो। तो वो नाज़रीन असल खबर ये है कि नईम हैदर साहब उनके वकील हैं, उनकी उनसे मुलाकात हुई, जिनको भी हिरासत में लिया गया था। उनकी जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने उनको ये ज़रूर कहा कि बिल्कुल मुझे यहाँ से निकालो, मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल नहीं नहीं बल्कि नामुमकिन है, बेशक मुझे अडयाला जेल भेज दिया जाए, कुछ ऐसा करो कि मुझे यहाँ से निकालो और अडयाला जेल बेशक मुझे रहना पड़े, चूँकि वहाँ पर ए क्लास भी है और बी क्लास भी है, तो खान साहब ज़रा बेहतर जो है वो गुजारने के आदि हैं ज़ाहिर है, और खान साहब ये चाहते हैं। असल खबर ये नहीं है कि खान साहब ने डर के या उस तरह कहा है, अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ख़ुद तो देखा नहीं कि खान साहब का जो है वो चेहरा मुतमईन है या खान साहब डरे हुए हैं, लेकिन असल खबर यह है कि खान साहब ने ये ज़रूर कहा है कि मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकालो, लेकिन खान साहब ने कहा है कि मुझे अडयाला जेल भेज दो कि वहाँ पर मैं जाकर एक क्लास में या बी क्लास में रह सकूँ, कि यहाँ से मैं थोड़ी सी बेहतर, चूँकि नाज़रीन वहाँ पर जो आप आखिरी बात ये करूँगा कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि वहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, और ये मुझे नहीं पता कि बिजली जाती है या बिजली जानबूझ के ले जाई जाती है। उसके बाद वहाँ पर ज़ाहिर है जब बिजली बार बार जाती है तो पानी का भी माकूल इंतज़ाम जो है वो नहीं है, चूँकि ना वहाँ पर जनरेटर है ना UPS है, जब बिजली जाती है तो इंतहाई गर्मी वहाँ पर अंदर होती है कि बैठना वहाँ पर मुश्किल होता है। और खान साहब जब वाशरूम जाते हैं तो अक्सर ऐसा भी एक दो दफ़ा सुनने को मिला
बताया कि पानी ही नहीं था। तो खान साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा चूँकि बिजली नहीं है, बिजली जितनी देर आती है तो वो पानी जितना ऊपर टैंकी में जाता है तो वो पानी इस्तेमाल हो जाता है, तो बिजली आएगी तो जो है वो पानी होगा। तो ये तंग किया जा रहा है मेरे ख्याल से खामखा एक इमरान खान साहब को, और जो कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अगर आपने एक सज़ा देनी है जिस तरह से भी है तो वो एक तरीके के तहत एक साबिक वज़ीर आज़म है उनको रखना चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो जानबूझ कर सजाएँ दी जा रही हैं और जानबूझ कर टॉर्चर किया जा रहा है ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है और ये काबिल कबूल नहीं है। और आखिर में नाज़रीन एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि तकरीबन एक माह खान साहब की जो रिहाई है वो इंतहाई मुश्किल है। एक माह के अंदर अंदर तो कोई रिहाई के चांसेस, चूँकि अगस्त है, अगस्त में छुट्टियाँ होती हैं अदालतों की, लोग अपने अपने जो है वो छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हुए हैं, तो इसलिए इस महीने कहा ये जा रहा है कि बहुत मुश्किल है खान साहब। हाँ, अगर कोई बीच में मौजाना तौर पर कोई ऐसा अमल हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई समात हो जाए कि खान साहब की रिहाई हो जाए, इसके अलावा जो है वो फ़िलहाल एक महीने तक तो रिहाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और अगर खान साहब मज़ीद कुछ दिन यहाँ रहें तो खान साहब के लिए यहाँ रहना मुश्किल बल्कि नामुमकिन रह जाएगा। अभी तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।